अरशद अली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमशेद टाउन सेवरेज वन। इस वक्त हम मौजूद हैं कैफे डी पंपिंग स्टेशन B6 ब्लॉक 2 तारिक रोड पर। यहाँ से हमें कल रिपोर्ट हुई थी कि सडनली हमारी जो 12 इंच की मेन लाइन है वो संक डाउन हो गई है, जिसका हमने मुआयना किया। तो हमने ऊपर रिपोर्ट की तो हमारे मेयर साहब ने इसका फौरी नोटिस लिया और वाटर बोर्ड की मैनेजमेंट को ये हुक्म फरमाया कि इस लाइन को फौरी तौर पे तब्दील किया जाए, क्योंकि ये तारिक रोड एक कमर्शियल हब है। यहाँ पे दिल्ली की बुनियाद पे लाखों लोग आते हैं और यहाँ पे सीवरेज और फ्लो हो गया था, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इसको जो है काफ़ी देर तक छोड़ा जाए। तो मेयर साहब ने इसी चीज़ को बड़ा ताक रख के हमें हुक्म किया मैनेजमेंट को कि इसको फौरी तौर पे तब्दील किया जाए। तो हमने वी हैव कमेंस वर्क एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस वर्क विल कम्प्लीट टुडे। ये हमारे साथ उमेर साथ यहाँ इलाके के काउंसलर हैं UC1 के, तो मजीद ये बताएंगे कि ये सेटिस्फाई हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं काउंसलर मोहम्मद उमेर चनेसर टाउन UC1, और माशाल्लाह अरशद साहब की मेहरबानी और हमारे चेयरमैन की हिदायत और मेयर साहब की हिदायत के ऊपर माशाल्लाह कैफीडी खान के ऊपर जो ये पानी का सीवरेज की जो लाइन का मसला था माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत उनकी निगरानी में ये काम हो रहा है और बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो हम दोनों का शुक्र गुजार हैं कि माशाल्लाह इन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया और इस काम को तकमील तक पहुँचाया। शुक्रिया। तारिक साहब हैं, यहाँ के कारोबारी हैं और यहाँ के रहायशी भी हैं, तो इनको भी बड़ी तकलीफ थी, तो ये भी कुछ आप कहेंगे इसके बारे में कि मैं जो हूँ यहाँ का रहायशी हूँ तारिक रोड का। तो ये मसला चूँकि अचानक पेश आया और हमारी लाइन नहीं बैठ गई, 12 इंच की लाइन है ये। इस सिलसिले में मैं UC चेयरमैन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और मैनेजमेंट जो वाटर बोर्ड के उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम को टॉप प्रायोरिटी पर रखा, उसको फौरी तौर पर हल किया। खासतौर पर हम एक्शन का साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी फौरी एक्शन लिया, इस काम को अपनी निगरानी में तकमील तक पहुँचा रहे हैं। मैं वाटर बोर्ड के मैनेजमेंट और मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद अली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेवरेज वन जमशेद टाउन। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक बी एरिया में। यहाँ का एक बड़ा देरीना मसला था कि जिनकी जो मेन सेवरेज लाइन थी वो कोलैप्स हो गई थी, जिसका हमारे मेयर साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया
और हमारी मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको फिल फोर तब्दील किया जाए कि ये जो सेवरेज लाइन है यहाँ पूरे इलाके का जो सेवरेज है वो कैटर करती है, तो इस वजह से यहाँ आए दिन और फ्लो होते रहते। तो ये अब हमने काम स्टार्ट कर दिया है। हमारे एसी साहब जनाब सैयद एजाज साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ए के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, वो खुद आज यहाँ आए हैं और काम का मुआयना कर रहे हैं और ये मजीद ये आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे मैसेज मिला था अशोक सेठ की तरफ से कि काम मतलब 12 इंच का लाइन काम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने कहा खुद जाके चेक करूँ, काम की क्वालिटी चेक करूँ, काम का बेहतर अंदाज में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो काम बहुत बेहतर अंदाज में और पाइप की क्वालिटी भी अच्छी है और बेहतर काम हो रहा है। तो मैं एक सरप्राइज विजिट करना था तो विजिट हमने कर लिया, काम बेहतर है, अंदाज में हो रहा है और ओवरफ्लो भी तकरीबन ख़त्म हो गया। शुक्रिया, थैंक यू सर।